जुखाला क्षेत्र में परीक्षा उत्तर पुस्तिकाएं जमा करवाने गई एक नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म मामले में आरोपी को 19 दिसंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कोर्ट से उक्त व्यक्ति को इस मामले के तहत ये सजा मिली है। वहीं आरोपी के खिलाफ पुलिस ने धारा 376, 342 व 506 पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। बिलासपुर डीएसपी संजय शर्मा ने बताया कि शिकायत के आधार पर 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली जुखाला क्षेत्र के एक गांव की छात्रा ऑनलाइन परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिकाएं जमा करवाने के लिए गत बीते वीरवार को स्कूल गई थी। इसी दौरान उसे कार्तिक नामक एक युवक का फोन आया। उक्त व्यक्ति ने कुछ समय पहले नाबालिग के घर में बिजली फिटिंग का काम किया था, जिसकी वजह से वे उसे अच्छी तरह से पहचानती थी। युवक ने छात्रा को अपनी माँ से मिलाने की बात कहते हुए गसौड़ में बुलाया। जान पहचान के आधार पर वह गसौड़ पहुंच गई। वहां से कार्तिक उसे अपने घर ले गया। छात्रा के अनुसार कार्तिक के घर में उस समय कोई नहीं था। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाती, युवक घर का दरवाजा बंद करके उसे अपने कमरे में ले गया और जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने धमकी भी दी कि यदि इस बारे किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा। वे किसी तरह अपने घर पहुंची। रात को उसने अपनी माँ को अपनी आपबीती सुनाई। परिजन अपनी बेटी को लेकर बरमाना थाना पहुंचे। उधर बिलासपुर डीएसपी संजय शर्मा ने बताया कि आरोपी व्यक्ति को कोर्ट से 19 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। व्यक्ति के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। दिसंबर को थाना बरमाना के अंतर्गत एक नाबालिग लड़की उम्र करीब 14 साल, जो स्कूल में 10वीं की छात्रा है और अपने स्कूल में ऑनलाइन पेपर जो है सबमिट करवाने गई थी, तो उसके किसी परिचित लड़के का उनके मोबाइल पे फोन आया, जिसने जो है वो कोई काम की बात करके जो है वो लड़की को बुलाया। उसके बाद वो लड़का उस लड़की को, जो समीप प्रति गांव का ही रहने वाला है, अपने घर ले गया, जो उसके घर में कोई नहीं था, जहाँ उसने लड़की की मर्जी के खिलाफ जो है वो उसके साथ बलात्कार किया। इस संदर्भ में थाना बरमाना में धारा 376, 342, 506 IPC के अंतर्गत सेक्शन 4 पोक्सो एक्ट के अधीन जो है वो उसी दिन मामला दर्ज किया गया था। लड़की का मेडिकल हॉस्पिटल में करवाया गया और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसी दिन जो है वो अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया, जो पहले पुलिस रिमांड पे था, जिसे आज रिमांड के पश्चात अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जो है वो 19 दिसंबर तक जो है वो न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस इस मामले में पूरी तत्परता से छानबीन कर रही है और शीघ्र ही आरोपी के खिलाफ जो आरोप पत्र है न्यायालय में पेश कर दिया जाएगा।